Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज, मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे नीरव मोदी मामले को लेकर। जिस तरीके से नई नई परतें खुल रही हैं, नए नए मामले उजागर हो रहे हैं, जिसने इतना बड़ा पंजाब नेशनल बैंक में 11,360 करोड़ रुपए का ये घोटाला वाकई में अपने आप में देश को झकझोर देने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्थिक मामला ऐसा होता है कि जिस पर सीधा तौर पर आम आदमी को नुकसान होता है। जाहिर सी बात, इतना बड़ा बैंक, एक राष्ट्रीय बैंक, और इतना बड़ा घोटाला जो सरकार की नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन सरकार लगातार जो है यूपीए सरकार को दोषी ठहरा रही है। यूपीए सरकार के लोग जो हैं वो करंट सरकार को, मोदी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, इसमें जो नई नई परतें खुल रही हैं, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। जो मैं आपको अब इससे बड़ी जो खबर बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी की। जी हाँ, उनके मामला ये सामने आया कि उन्होंने नीरव मोदी के ज्वेलरी, उससे 1.5 करोड़ रुपए की शॉपिंग की थी। कहा यह जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि बड़ा घोटाला है नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में किए गए घोटाले में। ये जो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर खबरों के अगर हम गौर करें तो जांच अधिकारियों द्वारा जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उनसे पता चल रहा है कि हीरा कारोबारी के कई क्लाइंट ऊंची पहुंच वाले थे। कुछ ट्रांजैक्शन से पता चला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी अनीता सिंघवी ने कारोबारी से ज्वेलरी की खरीदारी की थी। जाहिर सी बात है कि इस पर जो है बीजेपी को मौका मिल गया है कि भाई 1.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब इसमें बीजेपी का क्या आरोप लगाया है, इसमें बीजेपी लगातार जो है रक्षा मंत्री को उतार रही है, कभी वित्त मंत्री को सामने कर रही है। ऐसे में देश की रक्षा मंत्री सीतारमन ने क्या कहा है, यह हम आपको सुनवाते हैं। इस बारे में आइए सुनते हैं। गुड आफ्टरनून, संजय मयूख जी गेव मी अ गुड इंट्रोडक्शन, बट आई एम हियर एज अ पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। वी आर टॉकिंग ऑन द पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी मैटर। द essential underlining point of what I'm trying to say here with a lot of details is, as always, the Congress Party indulges in such scandalous affairs, misuses positions in government, tweaks systems to help themselves, quietly cover up everything that they do, and when after Sri Narendra Modi led government comes with a clear commitment to unearthing all the scams, finds the corrupt, the corrupt practice, and takes action comprehensively instead of explaining as to why it happened so during their period, the allegation is being leveled at us. I'm sorry, the Congress Party's allegations, not just allegations against this government, but misleading people
is just not going to add up. A concerted repeating of lies or misleading people may be a strategy the Congress would like to adopt, but I'm sorry, the facts are facing you and it is for them to answer them. I'd like to just run through some of those details which I want to put forth before you. If I may use a cliched expression, the original sin in this particular episode of Nirav Modi, Punjab National Bank, was indeed committed in 2011. तो देखा आपने कि लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता ने इस ट्रांजैक्शन को होने की जानकारी होने से मना किया है। हालांकि कांग्रेस इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्वीकार करने का सबूत नहीं है, बात सही है। ट्रांजैक्शन की तारीख के अनुसार ये मैं आपको बता देता हूं, 20 मई 2014, 21 अगस्त 2014, 17 जनवरी 2015 के अनुसार अनीता सिंघवी के पैन नंबर से 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदी गई है। अब सभी भुगतान बैंक द्वारा किए गए हैं। हालांकि सिंघवी ने इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी होने से मना कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि नेता जी मना कर रहे हैं, उन्हें अब उनकी पत्नी है, 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, नेताजी को नहीं मालूम है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल उनकी पत्नी ज्वेलरी खरीदने के बारे में उनका कहना है कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भाजपा लगातार जो है वो मैंने अभी आपको सुनाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सिंघवी को साथ साथ लपेटने की कोशिश कर रही है। अब जिसके बाद में अभिषेक सिंघवी भी सामने आए हैं, कांग्रेस लगातार जो है वो छोटा मोदी करके पुकार रही है नीरव मोदी को। लगातार नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, जिस तरीके सोशल मीडिया पर जो है वो काफी नीरव मोदी को लेकर मीम बन रही हैं, लगातार जो है वो कुछ ना कुछ कमेंटबाजी की जा रही है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने हालांकि जो पहले कहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था भाजपा नेता जिस तरह से उन्हें नीरव मोदी में खींच रहे हैं, मैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा और मानहानि का केस भी कर सकता हूं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बात कही है। उनका सीधा तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो इस तरीके की राजनीति कर रही है और अब वो मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, अब मैं हो सकता है कि आपराधिक जो है वो मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। हालांकि अभी जो मैंने आपको सुनाया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी का संबंध नीरव मोदी और उनकी कंपनियों से है। इससे नाराज सिंघवी ने, जाहिर सी बात है जब वो नाराज हो गए हैं उनका नाम खींचा जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सवाल उठाया है कि अभिषेक मनु सिंघवी के संबंध है नीरव मोदी से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या 1.5 करोड़ रुपए की शॉपिंग करना क्या कारोबारी से संबंध बना हो सकते हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से नीरव मोदी जो है देश का पैसा लेके भागा है और जिस तरीके से हम कह सकते हैं भगौड़ा बोल सकते हैं कि जाहिर, क्योंकि एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़े ये मामला होता है, एक आम इंसान की जिंदगी जो है वो बड़े अपना टैक्स पे करते हैं लोग, बड़ी रात दिन मशक्कत करके पैसा इकट्ठा करते हैं लोग, बैंक्स में डालते हैं कि हाँ नहीं हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है, लेकिन जब बैंक में ही घोटाला हो जाता है, अब मान लीजिए जिस तरीके से अगर किसी बैंक में घोटाला हो गया है, अगर उस बैंक में जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो सरकार भी हाथ खींच सकती है, बैंक भी हाथ सीख सकता है। तो ऐसे में जो आम इंसान है जो मेहनत करना चाहता है, जो अपना पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, आखिर में वो करेगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम इंसान का पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है और पाई पाई जोड़कर वो उसको सींचते हैं, और लेकिन जिस तरीके से अपनी गाड़ी कमाई बैंक में आंखें बंद करके जमा कर देते हैं और लेकिन बैंक उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर देता है। अब लगातार हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हो रहे हैं, उसमें एक कमेंट मैं आपको बता देता हूं, उसमें कमेंट हुआ था कि जब बैंक जो है वो 5 रुपए का पेन भी डोर से बांध के रखते हैं, ऐसे में 11,360 करोड़ रुपए का घोटाला बैंकों को नजर क्यों नहीं आ रहा था।
आखिर वो जो लगातार ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, लगातार बैंक के नाम पे पैसा उठाया जा रहा था मार्केट से, लगातार जो है कारोबार किया जा रहा था अलग अलग तरीके से, तो ऐसे में ये सवाल बैंकों पर खड़े होते हैं। बहरहाल अब जिस तरीके से ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है, अब वो राजनीति कुछ भी होती रहे, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम इंसान का नुकसान, जो एक मजदूर है, जो एक जॉब करने वाला इंसान है, नुकसान उसका है जो रात दिन मेहनत करके सरकार को टैक्स पे करता है, और वो बैंक के लोग वो पैसा दे दिया जाता है और वो लोग भाग जाते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI News। नमस्कार।